1984 में 12 साल का एक रॉयन व्हाइट एचआईवी एड्स की चपेट में आ गया था। उसे एक ऑपरेशन के दौरान खून दिया गया और ये रक्त एड्स भी ले आया। डॉक्टरों ने उसे 6 माह की मोहलत दी। इस तथ्य को जानते हुए भी उसने एक सामान्य जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए। ये कदम टकराए, थोड़े मजबूत हुए, लेकिन छोटे कस्बे से वो पूर्वग्रह और सुनियोजित भेदभाव से परेशान रहा। रायन के बारे में गलतफहमी और अज्ञानता ने वाइट परिवार को इंडियाना के कोकोमो कस्बे से दूर जाने पर मजबूर कर दिया। 1988 में दुनिया ने धीरे धीरे एचआईवी एड्स के कारणों और प्रभावों को समझना शुरू किया। इसी वजह से वॉशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंट्स कमीशन ऑन एड्स में रॉयन वाइट को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये स्पीच उसी वक्त की है जब रॉयन ने अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था, मेरा नाम रॉयन वाइट है, मैं 16 साल का हूँ, मुझे हीमोफीलिया और एड्स है। जब मैं 3 साल का था तब डॉक्टर्स ने मेरे माता पिता को बताया था कि मैं गंभीर हीमोफीलिक, इसका मतलब ये था कि मेरा खून जमता नहीं है। हफ्ते में 2 बार मुझे फैक्टर 8 के इंजेक्शन या आईवी की ज़रूरत पड़ती थी। मेरे जीवन के शुरुआती 5-6 साल तो अस्पताल आने जाने में ही बीते। 17 दिसंबर 1984 को मेरे लंग्स से 2 इंच का एक हिस्सा हटाने के लिए ऑपरेशन किया गया। सर्जरी के 2 घंटे बाद डॉक्टर्स ने माँ को सूचना दी कि मुझे एड्स है, मैं एड्स के संपर्क में फैक्टर 8 की वजह से आया था। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं अछूत नहीं हूँ और जिंदगी की मोहलत केवल 6 महीने बताई। मेरा फैसला था कि मैं सामान्य जीवन व्यतीत करूं, स्कूल जाऊं, दोस्तों के साथ रहूं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। जिस स्कूल में मैं जाता था उसने साफ तौर पर कह दिया था कि एड्स रोगी के लिए उनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है। स्कूल बोर्ड, मेरे टीचर्स और मेरे प्रिंसिपल ने मुझे क्लासरूम से बाहर रखने के लिए वोट किया। सभी को डर था कि मेरे कैजुअल संपर्क में आने से ही किसी को एड्स हो जाएगा। 9 महीने तक हम कोर्ट की लड़ाइयाँ लड़ते रहे। इस दौरान मैं टेलीफोन पर अपनी क्लास अटेंड कर रहा था। भले ही मैंने स्कूल जाने का अधिकार खो दिया हो, लेकिन पढ़ने का अधिकार हासिल रखा था। लोगों का पूर्वाग्रह अभी भी मेरे ओर रोले आ रहा था। हमने कुछ समझौते किए, अलग रेस्ट रूम, जिस जिम में प्रवेश निषेध, पानी का अलग व्यवस्था, खाने के लिए डिस्पोजल अपनाने जैसी बातों को हमें मानना पड़ा। सभी शर्तों को मानने के बावजूद 20 बच्चे के पेरेंट्स ने अपने अलग स्कूल शुरू कर लिए। एड्स के बारे में अज्ञानता का डर और झूठ अब मुझे घेरने की कोशिश कर रहे थे। मुझ पर चुटकुले बनाए जा रहे थे, झूठ फैलाए जा रहे थे। कई रेस्तरां ने मेरे उपयोग किए बर्तन फेंक दिए थे। मैं जहाँ बैठता था पास वाले उठकर चले जाते थे। चर्च में भी मुझसे कोई हाथ नहीं मिलाता था। इन सभी चीज़ों को झेलते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ी। तो देखा आपने, यह रॉयन की ज़िंदगी थी। रॉयन वाइट एक ऐसे पेशेंट एचआईवी के रहे जिन्होंने एचआईवी जैसी बीमारी को सबके सामने जग जाहिर किया। अब समझने वाली बात यह है कि हमें अज्ञानता नहीं फैलानी चाहिए। चूरियन हेल्डेक्सी अंकुरस्थान की रिपोर्ट।